देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह से बहुत बड़ी संख्या में सभी शुभचिंतक साथीगण पार्टीजन शुभकामनाएं देने आए हैं। हम लोगों ने अपने इस विषय में एक बात हमेशा कही है कि हमारी जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी कोशिश कितने लोगों की खुशियों की वजह बन सकी। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या सामाजिक क्षेत्र में, हमारी कोशिश से कितने लोगों की हम परेशानी को कम कर सके, ये जीवन की सफलताओं के आधारों से जुड़ी बातें हैं। मुझे लग रहा था कि चुनाव हारने के बाद और हमारे दल की सरकार नहीं बनी, लोगों में कहीं ना कहीं निराशा है, पर आज के दिन मैं ये महसूस करता हूँ कि लोगों ने हार नहीं मानी है, लोग निराश नहीं हैं, लोग आज भी उसी तरह से उन रिश्तों को निभाना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और वो साथ खड़े हैं। मैं सोचता हूँ कि आज के इस दिवस पर लोगों का प्यार और समर्थन देखकर मुझे ये भी एहसास होता है जीवन में कि जब आप एक अच्छे रास्ते, एक अच्छी सोच और विश्वास भरोसे के साथ रिश्ते निभाते हैं तो लोग साथ रहते हैं। उनके जीवन में सत्ता का कोई प्रभाव नहीं है, राजनीति का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि रिश्तों का प्रभाव है। मैं चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि मैं इस काबिल बना रहूं कि जो लोग भरोसा करते हैं उनका विश्वास बना सकूं, उनके लिए जी सकूं, उनके लिए काम कर सकूं, उनके भरोसे पर खरा उतर सकूं, ये मेरी कोशिश होगी। भाई, आपने राजनीति की बात की, आप अभी देखा चुनाव में किस तरह से राजनीति को लेकर आप पर तमाम आरोप लगाए गए, कैसे इनको फेस किया आपने? मैं कह सकता हूँ ज़िंदगी में जब आप किसी एक बड़े मुकाम की लड़ाई लड़ते हैं तो जो लोग आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, राजनीतिक जो विरोधी हैं, वो आपको कुछ ना कुछ आरोप लगाकर ही तो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। पर हमने आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध होना में बड़ा फ़र्क है। मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों का जीवन सब लोगों के सामने है। ये सच है कि हम गांव से निकल कर आए और गांव से निकल कर अपनी जगह बनाई, समाज में बनाई, राजनीति में बनाई, व्यापार में बनाई, व्यवसाय में बनाई। तो जब आप कभी गांव से निकल कर आते हैं, मध्यम परिवारों से निकल कर आगे बढ़ते हैं, तो आपको परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी, वो हमारी जीवन का हिस्सा है, उनका मुकाबला करेंगे, डटकर हम लड़ेंगे उन सब समस्याओं से। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा, अगर कार्रवाई निष्पक्ष होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज का दिन